चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंकल सैमा। मुस्तकबिल के हाल के इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वैसे नाज़रीन, जैसे अवाम अपने हुक्मरानों के बारे में बात करते हैं, ये टिंकू पिंकू के बारे में बात करता है, सौतन सौतन के बारे में बात करती है, और ये सास अपनी बहू के बारे में बात करती है, इसी तरह सितारे भी आपके बारे में बात करते हैं, आपके मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। तो वैसे एक बात है, ये सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, मजे की बात ये क्यों? है तुम्हारी पप्पी की शादी होने वाली है। ओहो, मजे की बात ये है कि आज तक मेरे बारे में किसी ने बात ही नहीं की। अच्छा, वैसे मैं नई साथी हमारी, हमें ज्वाइन किया है लाल परी, उसने हमें ज्वाइन किया जी। लाल परी शूल सड़क का टिक्का टिक्का सायका होता फिक्का फिक्का। वाह भाई वाह, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि स्टेज डांस खत्म करके आगे यहाँ बैठी है। वैसे एक बात बताओ, लाल परी तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारे पार है ना, तो मुड़ सकती हो, और तुमने मुझे लगता है कि फुहार से निकली हो पान की, इतनी लाल हुई भी हो। बुर्श जैसी मूछों वाले तुम लोगों को मुस्तकबिल का हाल क्या बताओगे? तुम्हारा तो अपना ही कोई मुस्तकबिल नहीं है, गुजरोगे तो तुम, और बहुत जल्दी। ये पेशिन गोई 2013 में मैंने की थी कि नवाज शरीफ जीतेगा, और देखा डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। हालांकि जुआ जीतने वाले जैसा मुंह है उसका। ओ ओ ओ शहजादी, ओ शहजादी, आराम से बगैर ब्रेकों की 125 चलाई जा रही है, ब्रेक लगा। वो पेशिन गोई तो मैंने भी की थी, मैंने कहा था कि मोदी को ऐसी खुफिया जगह पे बीमारी होने वाली है, और हो गई बीमारी। तुम्हें कैसे पता चली है? और मुझे इस वजह से पता चली कि वो देखा नहीं तुमने, हर दूसरे दिन बाद वो खड़ा हो जाता है लड़ने पाकिस्तान के साथ, वो बैठता ही नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारी में बंदा बैठ नहीं सकता। मैं ये पूछना चाहती हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं कि लता जी का क्या मुस्तकबिल होगा। अच्छा, वैसे लता जी का मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ, मुझे नजर आया ठक 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 ठक। अच्छा, इन बिचारी का जो है ना बहुत बुरा हाल होने वाला है, इनकी हो जाएगी शादी। अच्छा, शादी के बाद हो जाएगी फौरन तलाक, उसकी वजह भी जो है वो बनेगी इनकी अपनी बहन आशा भोसले, क्योंकि रणबीर कपूर को वो भी टूट के चाहती है। अच्छा, सांप भी है, परी भी है, लाल भी है, और तू है क्या? इस वक्त हमारे पास एक तो स्कॉलर की कॉल लेते हैं। हेलो जी, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया है, बताएं कि मुझे मुस्तकबिल करीब में कितना फायदा होने वाला। अच्छा, वैसे मैं आपका जैचा ठक 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 आजा जैचा, मैंने देख लिया है पायल, आप वैसे बुनियादी तौर पे एक मनहूस इंसान हो। आप, मुझे पता था आपने डेढ़ शहरी जारी क्यों है कि आप मनुष्य के साथ साथ बड़े अजीब से इंसानों के, आप जिस काम में भी हाथ डालोगे उसमें बर्बादी है। जब आपको पता था तो आपने पैसा क्यों लगाया? अब आप एक काम करें कि मुझे तो दिख रहा है कि आपका पैसा डूबने वाला है आगे, आप इससे पहले पैसा डूबे आप समंदर में डूब के मर जाए। बेवकूफ इंसान, अगर पैसा लगाना ही था तो मुझ पर लगाते। वहाँ कोई T20 मैच होने जा रहा था जिस पर तुमने पैसा लगाया। तुम जैसे लोग बनियान पर पैसा नहीं लगाते, गोलगप्पों पर पैसा नहीं लगाते, दही भल्लों पर पैसा नहीं लगाते। तुम जैसे लोग अपनी बीमार सास पर पैसा नहीं लगाते। अब तुम जैसे लोग, तुम दीवार के साथ लग जाओ, दैट्स इट। और सपने की स्लो मोशन की नर्स कोई तेज बंदा बोलता है, स्टार प्लस की हीरोइन बनी हुई है अपने में। वैसे कॉलर एक और आ गया मेरे ख्याल से। आप तो रेड ड्रेस में जलता हुआ अंगारा लग रही हैं जी। मुझे ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और किससे होगी? वाह भाई, तारीफें हो रही हैं बड़ी तेरी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल का हाल बताती हूँ। शूम शड़क का टिक्का टिक्का जायका औदा फिक्का फिक्का। नजर आ रहा है मुझे तुम्हें अपने मुस्तकबिल की बजाय अपने माजी में जाना चाहिए, क्योंकि वहां मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी शादी एक डायनासोर से होने वाली है। डायनासोर? हाँ, जाओ फौरन अपने मुस्तकबिल में नहीं बल्कि माजी में जाओ, वरना उस डायनासोर की शादी
किसी डायनासोर से होते हुए देख रही हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, वाह, तुम उससे शादी करने के लिए उस डायनासोरी ने सारी तैयारी कर ली है, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेकअप, वाह, मुझे सब तैयारियाँ नजर आ रही हैं। और यंग डायनासोर्स ने तुम्हारी शादी के लिए गाने और माइये भी तैयार कर रखे हैं। फौरन पहुंचो अपने माजी में। और मुझे नजर आ रहा है कुछ डायनासोर्स, उन्होंने तो पेट्रोल भी भरवा लिया अपने अंदर ताकि तुम्हारे इस्तकबाल में अपने मुंह से आग निकाल सके। वाह, फौरन पहुंचो, फौरन पहुंचो तुम अपने माजी में, वरना मुझे नजर आ रहा है कि वो डायनासोरी, उस डायनासोरी को कोई फिरौन ले जाएगा। फौरन जाओ अपने माजी में। वाह 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 भाई, बड़ा कोई, वाह 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 भाई, बस इतना फेस फेस इतना नहीं करते, ठीक है, बच्चों को नहीं करना, ये बड़ी गलत बात होती है। क्या माहौल बना के रखा हुआ है उधर, ये चल रहे हैं माइये टप्पे सारे। वैसे लाजी, आज मुझे लगता है कि आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आया होगा हमारा ये शो, आपको जैसा भी लगे अब यही शो है। तो फिर हम किसी और दिन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।